ओके गाइस, सो फाइनली ये चैप्टर को करते हैं यहाँ पे अपन कंप्लीट इस टॉपिक के बारे में बात करके जिसका नाम क्या है, मिस्टेक। ठीक है सो बोले, अगर मैं मिस्टेक के बारे में बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले क्लास में बताया था कि इसका मतलब आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन होना, मतलब कोई चीज़ के बारे में आपने कुछ गलत समझ लिया, एक्चुअल में चीज़ वैसी नहीं थी बट आपने समझा कुछ और, था कुछ और, समझा कुछ और। ठीक है, या फिर उसको मिस इंप्रेशन रखना, आपके दिमाग में कोई अलग ही इमेज बन गई, आपके दिमाग में कुछ अलग ही इंप्रेशन था, अच्छा मुझे लगा ये ऐसा नहीं बल्कि ऐसा है, राइट। फिर उसके बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, एक एक एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पे आपके नोट्स में ही बकायदा पूरे के पूरे एग्जाम्पल जो है ना वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो अपन पूरा का पूरा बात करेंगे, बस एक बार इसको अपन रीड कर लेते हैं, राइट। मिसअंडरस्टैंडिंग होना, इरोनियस बिलीफ होना, किस चीज के बारे में, कोई भी चीज के बारे में, अबाउट एनीथिंग, अबाउट एनीथिंग, जिसके ऊपर आप ए और बी ये दो लोग जो हैं वो क्या करने का काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको करने का काम कर रहे हैं उस केस में। ठीक है, नाउ यूजुअली मिस्टेक जो है वो बोले कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा क्या बोला गया आगे। यूजुअली जब तक बोले आपकी जो मिस्टेक है वो ऐसे वाली रहे जिसमें कि आप एक्सक्यूज ले सकते हैं, तब तक के मिस्टेक्स का आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के ऊपर किसी भी टाइप का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान से, हाउएवर अंडर सम सर्कमस्टांसेस कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं कि मिस्टेक मे रेंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड फॉर अ वॉन्ट ऑफ जेन्युइन कंसेंट। मतलब भाई साहब, अगर मैंने चीजों को गलत इंटरप्रेट कर लिया, अगर अपन दोनों ने ही चीजों को गलत इंटरप्रेट कर लिया, तो ऐसे केस में अपन उस चीज को किस हिसाब से प्रॉपर मान के चल पाएंगे, ये समझ में आए। अब ये ध्यान से भाई साहब, ये मैंने आपको बताया था कि अगर मिस्टेक की बात करी जाए तो मिस्टेक दो टाइप की हो सकती है। एक आपका होता है जिसे कहा जाता है लॉ को लेके मिस्टेक करना, और दूसरा जिसे कहा जा सकता है कि फैक्ट्स जो आपके होंगे उन फैक्ट्स को लेके मिस्टेक करना। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब, अभी ध्यान से, अगर मैं लॉ के बारे में बात करूं तो हो सकता है कि जो आपके लॉज हैं वो इंडियन वाले लॉज हैं, और अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि आपके जो लॉज है वो क्या है, फॉरेन वाले। इंडियन लॉज जो आपके होंगे उसे क्या कहा जा सकता है, लॉ ऑफ लैंड, हमारे कंट्री के जो लॉज हैं वो। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 की बात कीजिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में बात कीजिए, या फिर जीएसटी एक्ट 2017 के बारे में बात कीजिए, या फिर आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में बात कीजिए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात कीजिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में बात कीजिए, बहुत सारे लॉज है सर, बहुत सारे लॉज हैं, वो सारे के सारे लॉज जो आपके होंगे वो आपके इसी कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने कहा अरे सॉरी मुझे नहीं पता था कि हमारे कंट्री का लॉ ऐसा बोलता है, क्या आप इस बात को एक्सक्यूज बना सकते हो क्या? तो एक पॉइंट यहां पे क्या बोला गया कि नहीं सर, इस बात को एक्सक्यूज बना के चला नहीं जा सकता, एंड जो कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में बना होगा वो कॉन्ट्रैक्ट यहां पे वैलिड रहेगा। गॉट द पॉइंट? एक काम कीजिए, जो यहां पे वॉइड ये ऐसे लिखा हुआ ना, तो सामने में एक पॉइंट आप बना लीजिए ऐसा, ताकि ये समझ में आए कि दोनों पॉइंट जो है वो आपके अलग अलग है, एक ही चीज नहीं है। पढ़ने में कैसा आता है, वैलिड नो एक्सक्यूज, राइट। तो ऐसा मतलब वहां पे मिस इंटरप्रिटेशन ना हो जाए, इसीलिए क्या करेंगे आप दोनों में पॉइंट बना दीजिए कि एक पॉइंट आपका क्या कहता है और दूसरा पॉइंट जो है वो आपको क्या कहता है। ठीक है, दूसरा सब बोले फॉरेन लॉ, सर इसको समझने में मिस्टेक हो सकती है, क्यों? सब बोले इंडिया के बाहर का लॉ है, यहां इंडिया के अंदर ही अगर बात करेंगे तो 1200 से भी ज्यादा लॉज हैं सर इंडिया के अंदर, हैं ये बड़े 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 कानून है सर, तो ये सारे के सारे लॉज में कैसे पढ़ूंगा सर, क्या मैं पढ़ पाऊंगा क्या? पढ़ लूंगा बोले कुछ भी करके। लेकिन फिर आपने क्या कहा कि नहीं, फॉरेन के लॉज के बारे में भी आपको पता रहना चाहिए। सर फॉरेन वाले जो लॉज है ना उनके बारे में पता रहेगा, इस बात की गारंटी नहीं है, एंड उसका आप एक्सक्यूज लेके चल सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सकते हैं, गारंटी नहीं है कि वॉइड होगा ही, लेकिन उसको आप वॉइड कर सकते हैं। बेसिकली ये कह दीजिए कि अगर फॉरेन लॉ को लेके मिस्टेक हुआ ना, तो ऐसा मान के चल लीजिए कि आपका ना फैक्ट्स को लेके मिस्टेक जो है वो हो गया बोले। अब फैक्ट्स में क्या ट्रीटमेंट होता है, दोनों पार्टीज कर रही है, एक ही पार्टी कर रही है, गॉट द पॉइंट? तो उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे वहां पे डिसाइड करेंगे, ये ध्यान से भाई साहब। सो सेकंड वाला पॉइंट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट में एग्जाम्पल से आपको बहुत सारा समझ में आएगा, हो सकता है सब्जेक्ट मैटर को लेके मिस्टेक हो गई,
हो सकता है कि टाइमिंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट को लेके मिस्टेक हो गई, हो सकता है टाइटल यानी कि ओनरशिप, मेरे को लगा आप मालिक हो, आप नहीं हो क्या? अच्छा, अरे यार फिर तो कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ नहीं करना चाहिए था, किसी और के साथ में करना चाहिए था, राइट? कोई भी चीज को लेके, किसी भी फैक्ट को लेके आपकी मिस्टेक जो है वो आपकी हो सकती है। एंड ध्यान से, मिस्टेक किसी एक पार्टी की भी हो सकती है, उसे यूनिलेटरल कहा जाएगा। अगर एक तरफा मिस्टेक होगी, एक ही पार्टी की मिस्टेक अगर हुई है, ठीक है, तो उसे कहा जाएगा क्या? यूनिलेटरल मिस्टेक। लेकिन वहीं पे अगर दोनों पार्टीज, अरे भाई साहब मैंने भी गलत समझ लिया था, आपने भी गलत समझ लिया, चलो कोई नहीं सर, छोड़ो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान से सुनिएगा, ऐसे केस में आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करके चल सकते हैं। लेकिन अगर एक ही पार्टी की मिस्टेक थी तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है यूजुअली वो वैलिड रहेगा। हाँ, कुछ केसेस में शायद आपको अलाउ कर दिया जाए, कोई बात नहीं, बोले समझ सकते हैं आपकी बात। कौन से केसेस होंगे उसके बारे में अपन आगे चल के बात करें। वापस एक बार ध्यान से, क्या बोला अपन ने? दो चीज को लेके मिस्टेक हो सकती, पहला लॉ को और दूसरा फैक्ट्स को, ठीक है। अगर लॉ की बात करूं, अगर आपने कहा सर सॉरी इंडियन लॉस के बारे में आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ, कैसी बात कर रहे हो भाई साहब, है इंडिया में रह रहे हो और इंडिया में रह के इंडिया के लॉस के बारे में नहीं पता था, कल तक नहीं पता था, कोई बात नहीं, लेकिन अब जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो लॉस के हिसाब से, यू शुड नो अबाउट इट, राइट। दूसरी बात, अगर फॉरेन के लॉस के बारे में आपको नहीं पता तो आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करके चल सकते हैं। ये लगा लीजिए कि अगर फॉरेन लॉ के लॉस को लेके अगर आपने मिस्टेक करी है तो फैक्ट्स को लेके आपने मिस्टेक कर दिया, ऐसा मान लिया जाए, गॉट इट। फिर अगर मैं फैक्ट्स वाली की बात करूं तो सर एक पार्टी से भी हो सकता है, दोनों पार्टी से भी हो सकता है। अगर दोनों पार्टीज ने मिस्टेक कर दी, ले भाई साहब मेरे को भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था, छोड़ो बोले खत्म करता, तो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक पार्टी कहती हो सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई, तो बोले मैं क्या करूं, तुमने कोई चीज को समझने में गड़बड़ कर दी, तुमको कोई चीज की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, बोले ये समझा। तो यूजुअली अगर एक ही पार्टी फैक्ट्स को लेके मिस्टेक करती होगी तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं किया जा सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड रहेगा। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस वहां पे भी दिए गए हैं, क्या एक्सेप्शंस है बात अपन करेंगे। चलिए सबसे पहले थोड़ा और डिटेल में, मिस्टेक ऑफ लॉ। सबसे पहले लॉ ऑफ लैंड, मतलब हमारे कंट्री की जो लॉज है उसकी बात करते, क्या कहता है भाई साहब? नो पार्टी कैन सीक द रिलीफ ऑन द ग्राउंड ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ द लैंड। दोनों में से कोई भी पार्टी ये नहीं बोल सकती सर सॉरी आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द कंपनीज एक्ट 2013 और द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्यों भाई साहब, क्यों पता नहीं था, पता होना चाहिए था, ठीक है। सेक्शन नंबर 21 स्टेट्स दैट अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाय द मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। द कॉन्ट्रैक्ट विल हैव द सेम इफेक्ट एज इफ द पार्टीज हैड फुल नॉलेज ऑफ द लॉ ऑफ द कंट्री। ये समझ में आया कि भाई साहब आप इसको वॉइड करने की बात नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहां पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, मतलब नीड टू बी परफॉर्म्ड, ठीक है, उसको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, आप एक्सक्यूजेस नहीं कर सकते वहां पे। ये समझ में आया, बोले ठीक है सर, लेट्स मूव अहेड, बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। मिस्टेक ऑफ द फॉरेन वाले लॉज, सर ये थोड़ा सा मतलब वर्ड में समझ में आ रहा है, फॉरेन के लॉज कहां से पता होंगे, ठीक है। इग्नोरेंस ऑफ द फॉरेन लॉ इज एक्सक्यूजेबल, आप उसका एक्सक्यूज दे सकते हो। द मिस्टेक ऑफ द फॉरेन लॉ एडवर्सली अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट विल बी वॉइड। सेक्शन 27 21 सेज दैट अ मिस्टेक एज टू लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया हैज द सेम इफेक्ट एज ऑफ द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय द मिस्टेक ऑफ फैक्ट आर वॉइड। गॉट द पॉइंट? सेक्शन नंबर 20 कहता है कि अगर आपने मिस्टेक ऑफ फैक्ट किया होगा, दोनों पार्टीज ने अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट किया होगा तो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या होगा, वॉइड हो जाएगा, बोले राइट। यही बात आपको आगे भी दी हुई है, ये यहां पे देखिए। सबसे पहला बोले बायलेटरल और द म्यूचुअल मिस्टेक, दोनों पार्टीज की गलती हो गई, ठीक है। तो क्या कहता है, वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट विच इज एसेंशियल टू द एग्रीमेंट। ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज को लेके आप दोनों पार्टीज के बीच में क्या हो गया, काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हो गई, आपने कुछ और समझ लिया, वो पार्टी ने कुछ और समझ लिया, गॉट द पॉइंट।
देयर इज सेट टू बी अ बायलेटरल मिस्टेक, दोनों पार्टी से गलती हो गई भाई साहब, ठीक है. नाउ एन एग्रीमेंट कॉज्ड बाय सच अ मिस्टेक इज वॉइड. बायलेटरल मिस्टेक मे बी ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप की हो सकती है. पहला, सब्जेक्ट मैटर को लेके मिस्टेक, मतलब जिस चीज को लेके आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे उसको लेके ही क्या हो गया, आपका गड़बड़ हो गई. क्या कहता भाई साहब, वेयर बोथ द पार्टीज आर अंडर अ मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट इज वॉइड. मिस्टेक एज टू द सब्जेक्ट मैटर मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. फॉर एग्जाम्पल, सब बोले आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, मतलब मैंने कुछ और चीज को समझ लिया, ब्लैक वाला घोड़ा व्हाइट वाला घोड़ा, ठीक है. क्वालिटी, सर दोनों की क्वालिटी सेम है सर, मतलब दोनों की बात अगर करेंगे तो वो बोलता है मेरे हिसाब से ये शानदार घोड़ा है, वो कहता है मेरे हिसाब से ये शानदार घोड़ा है, ठीक है. वहां क्वालिटी नहीं बोला, आइडेंटिटी की बात कर रहे. आप इसकी बात कर रहे थे या फिर आप इसकी बात कर रहे थे. दूसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. सर कई बार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं था कि जो सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हो वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई साहब. फॉर एग्जाम्पल आपने शायद कहीं कोई हिस्ट्री वगैरह पढ़ी जहां पे आपको ये पता चला कि बोले पुराने जमाने में आज से 50,000 5,000 BC ईयर्स पूर्व, ठीक है, कोई तो भी मूर्ति थी, बोले कोई तो भी क्या थी, मूर्ति थी जो सुएंसो जगह पे है, संग्रहालय में कहीं पे रखी हुई है, एंड उसका ऑक्शन वगैरह जो है वो अवेलेबल है. आप चले गए वहां पे, जाके आपने परचेज कर लिया. लेकिन परचेज करने के बाद में आपको समझ में आया कि अरे ये उसका डुप्लीकेट कॉपी, दिस इज नॉट ओरिजिनल. तो क्या उसके लिए उतना पैसा पे करना बनता है जितना आपके आपने इसके लिए किया होगा? आंसर इज नो सर, राइट. मतलब अगर वो सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात करी जाए, अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो उसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट करने का क्या सेंस बनता था भाई साहब? क्या कोई सेंस बनता था क्या? आंसर इज नो सर, राइट. एग्जाम्पल और मैं आपको आगे चल के बताऊंगा. नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. सर कई बार बहुत सारी चीजें क्वालिटी पे डिपेंड करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा एक दोस्त को लेके जाता है अपने खेत में, जाके कहता है ये देखो पूरी फसल है, बोले गेहूं की फसल है और A1 क्वालिटी की गेहूं होती है, बोले मेरे खेत के अंदर. बोले अच्छा, बोले हाँ, तो बोले एक काम कर, तेरा पूरा का पूरा जो खेत है ना उसकी जितनी भी फसल रहेगी, जैसे तू वो फसल को निकालेगा ना, वो पूरी फसल मेरे को दे देना, अगर तेरी फसल ए क्वालिटी की फसल रहती है तो. ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब. अब भाई साहब जब फसल को निकाला गया तो पता चला कि जो गेहूं था वो अंदर से खोखला हो चुका था, शायद क्या बोलते हैं उसको, घुण बोलते हैं, घुण, ठीक है, दीमक बोल दीजिए आप. वो कई बार ऐसा होता है कि खेतों में अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो पूरी फसल को बर्बाद कर देती है. वैसा निकला साहब, ठीक है. A1 क्वालिटी? नहीं सर, क्वालिटी जो है वो A1 बिल्कुल भी नहीं थी, राइट. तो क्वालिटी को लेके क्या हो गया? मिस्टेक हो गई. फिर क्वांटिटी को लेके मिस्टेक हो गई, मतलब आपको लगा कि 50 ग्राम का उतना प्राइस है और सामने वाला 500 ग्राम के लिए उतना प्राइस बता रहा था, ये मिस्टेक हो सकती है. प्राइस को लेके इशू हो सकता है. टाइटल, टाइटल का मतलब होता है बेटा ओनरशिप, ठीक है, ओनरशिप को लेके मिस्टेक हो सकता है. या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स, मतलब क्या कोई एक पर्टिकुलर चीज पर्टिकुलर स्टेट में है. फॉर एग्जाम्पल, सब बोले शिप आ रहा है, वो शिप से बोले सामान आने वाला है, तो जैसे ही वो सामान आएगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. कब आने वाला? 1 महीने में आ जाएगा, बोले, ठीक है. लेकिन एग्जैक्टली एक्चुअल में चीज ये हो रही थी कि वो जो सामान आने की बात आप कर रहे थे 4 महीने के बाद आने वाला था. कितने टाइम के बाद में आने वाला था? 4 महीने के बाद में. सर 4 महीने के बाद में अगर कोई चीज आ रही है तो डजंट मेक एनी सेंस. मेरे को परचेज नहीं करना, मेरे को कब चाहिए था? 1 महीने के बाद में चाहिए था, राइट. तो उसको लेके भी मिस्टेक हो सकती है. दिमाग में था कि 1 महीने के बाद में आ जाएगा, लेकिन टाइम उसको और थोड़ा ज्यादा लग रहा है. अंडरस्टूड द पॉइंट? डन. चलिए, और दूसरा यहां पे ध्यान से वापस एक बार कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात अगर करते हैं तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में बायलेटरल मिस्टेक जो है, दोनों तरफा की मिस्टेक जो है वो बोले दो चीजों को लेके हो सकती है. पहला था सब्जेक्ट मैटर और दूसरा था पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. सर जब बोले हमने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया तो हमको लगा था कि शायद ये चीज को करना पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन जब एक्चुअल में वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का टाइम आया तो पता चला कि नहीं यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर, इसको तो परफॉर्म नहीं किया जा सकता है. बेस्ट एग्जांपल
अभी के हिसाब से अगर मैं सुटेबल एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो 2020 से जो कोरोना की पूरी कहानी चली आ रही थी, ठीक है, बोले ठीक है कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसमें बोले आपको एक एग्जाम्पल, मतलब 2020 का एग्जाम्पल अपन लेते हैं, बोले आपको जून 2020 में हम बोले डिलीवरी जो है वो दे देंगे, कोई भी चीज़ की डिलीवरी, राइट, गाड़ी की डिलीवरी की बात आप कर लीजिए, या फिर हो सकता है कि आपने कहा मुझे मालदीव्स घूम के आना है, ठीक है, और आपने टाइम डिसाइड किया बोले जून वाले महीने में 20 जून से लेके 26 जून तक बोले मैं मालदीव में रहना चाहता हूँ, गॉट द पॉइंट। लेकिन फिर बाद में लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लग गया, पेंडेमिक जो है वो डिक्लेयर हो गया, वो सारी चीज़ें हो गई, तो क्या कर पाएंगे क्या वो चीज़ को? आंसर इज नो सर। क्या उसको परफॉर्म करना पॉसिबल हो पाएगा क्या? आंसर इज नो सर, उसको परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पहले हमको लगा था कि हो जाएगा, लेकिन बाद में वो क्या हो गया, पॉसिबल नहीं हो पा रहा। या फिर सर बोले क्या आपको कोई चीज़ प्रोवाइड करने की बात हुई थी, लेकिन जिस चीज़ को प्रोवाइड करने की बात की गई थी अर्थक्वेक वगैरह आया और जो प्रॉपर्टी है वही डिस्ट्रक्ट हो गई, भाई साहब खैर ये मिस्टेक में काउंट नहीं होगा, इसमें ऐसा हुआ कि आगे चल के वो वॉइडेबल हो जाएगा, सॉरी वॉइड हो जाएगा, द रीजन बीइंग कि आगे चल के आपका जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रक्ट हो गया, गॉट द पॉइंट। चलिए यहां पे देखिएगा, व्हेन बोथ द पार्टीज बिलीव दैट द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म्ड, मतलब जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट को बनाया गया था उस टाइम पे ये लगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको बोले परफॉर्म किया जा सकता है, अंडरस्टूड द पॉइंट। जस्ट अ सेकेंड, चलिए ये समझ में आया आपको, बोले ठीक है सर, बट इन फैक्ट इट इज इम्पॉसिबल टू बी परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सर बोले उसको परफॉर्म कर पाना मुश्किल है, मुश्किल नहीं है सर, नामुमकिन है, बोले हमको लगा था ऐसा कि शायद हम उसको परफॉर्म कर देंगे बट नहीं कर पाएंगे उसको परफॉर्म, ठीक है। इन सच अ केस, उस केस में द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ बायलेटरल मिस्टेक एज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, इफ द इम्पॉसिबिलिटी अराइजेस सब्सिक्वेंट टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइड बिकॉज ऑफ द मिस्टेक। ये ध्यान से, हाँ वही मैंने आपको पहले भी बोला, क्या सर पहले वो था अर्थक्वेक वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, सर जिस टाइम पे हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वी न्यू अबाउट इट, हमको पता था ये वाली चीज के बारे में कि ऐसा हो सकता है करके, तो बाद में जाके अगर वो इम्पॉसिबल होता है तो उसको आप वॉइड बोल दो, लेकिन इट इज नॉट वॉइड बिकॉज ऑफ द मिस्टेक, मिस्टेक नहीं करी हमने कोई चीज की, गॉट द पॉइंट। सर हमें कॉन्ट्रैक्ट को बनाते टाइम पे अगर कुछ चीजों के बारे में प्रॉपरली नहीं पता है उसे मिस्टेक कहा जाएगा, अगर जिस टाइम पे हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था हमको पता था कि हाँ ऐसा हो सकता है लेकिन बाद में जाके वो क्या हो गया, उसको परफॉर्म करना मुश्किल हो गया, उसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया है, तो उसको आप वॉइड बोल दीजिए लेकिन उसको आप वॉइड बिकॉज ऑफ मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, ये बात को ध्यान में रखिएगा, अंडरस्टूड द पॉइंट, बोले ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट आपका आता है कौन सा, यूनिलेटरल वाला मिस्टेक, लेकिन ध्यान से यहां पे काम करते अपन, अगर बोले मैं फैक्ट्स के बारे में बात करूं, ठीक है, अगर मैं ये फैक्ट्स वाले के बारे में बात करूं तो ध्यान से, हाँ बोले फैक्ट्स वाला जो होगा ये दो टाइप का हो सकता है, उसमें भी कौन सा, बायलेटरल वाला, एक सेकेंड, कौन से वाला, बायलेटरल वाला जो आप करेगा बाय बोथ द पार्टीज वाला, ठीक है, इट कैन बी फॉर टू थिंग्स और फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ व्यू, कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कौन सा पहला, एज टू सब्जेक्ट मैटर और दूसरा पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उस चीज को, उस चीज की क्या लेके, उस चीज की पॉसिबिलिटी को लेके, अंडरस्टूड द पॉइंट, बोले ठीक है सर। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा,
अगर बोले मैं सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात करूं तो यहां पे सारी बातें आप एक साथ यहां पे लिख सकते हो। सबसे पहली बात एग्जिस्टेंस को लेके, दूसरी बात क्वांटिटी को लेके, तीसरी बात क्वालिटी को लेके, चौथी बात प्राइस को लेके, ठीक है। और क्या था, और भी एक आधी चीज थी, आइडेंटिटी को लेके, टाइटल को लेके। ठीक है, ये सब हो सकता है। पॉसिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ना, पॉसिबिलिटी या इट वॉज इम्पॉसिबल, एक्चुअली इट वॉज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही ये क्या था, ये बोले पॉसिबल नहीं था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। गॉट द पॉइंट? चलिए भाई साहब, तो ये पॉइंट जो है उनको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट आपका आता है कौन से वाला, सब बोले यूनिलेटरल वाला मिस्टेक, एक तरफा मिस्टेक, एक ही बंदा जो है ना वो बोले मिस्टेक कर रहा है। तो क्या बोलता भाई साहब, सबसे पहले हमने क्या कहा, सर नहीं ना, इसको बोले आप एक्सक्यूज मान के नहीं चल सकते। सामने वाला बंदा नेग्लिजेंट था, सामने वाला बंदा इग्नोरेंट था, हमारी क्या गलती उस चीज के अंदर भाई, हमने क्या कर दिया, राइट? तो ध्यान से, वेयर वन ऑफ द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर अ मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट, किसी भी फैक्ट को लेके, लॉ की बात थी, अलग हो गया वो, ठीक है। लेकिन अगर किसको लेके, फैक्ट को लेके, इट इज कॉल्ड एज यूनिलेटरल मिस्टेक। और सेक्शन 22 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवॉइडेबल मेयरली बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाय वन ऑफ द पार्टीज टू इट बींग अंडर अ मिस्टेक टू द मैटर ऑफ फैक्ट। सीधी सीधी बोले अगर अपन यहां पे बात करते, लेकिन मैंने आपको वहां पे कहा भी था सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस आल्सो, राइट? तो यहां पे देखिए आपको एक्सेप्शन दिया हुआ है, इन सर्टेन केसेस अ यूनिलेटरल मिस्टेक मे आल्सो रेंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड वेदर और नॉट कॉज्ड बाय फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन एटसेट्रा। गॉट? मतलब सर अगर मिस्टेक हो गई होगी तो ऐसे केस में वॉइड किया जा सकता है। अब भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉड का इस्तेमाल किया गया होगा, मिसरिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया गया होगा, और एज द केस उसका फर्क नहीं पड़ता बोले, ठीक है। यहां ध्यान से देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल डिसीजन दे मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। कितने हैं? तीन टाइप बताए गए। पहला, मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ द पार्टी कॉन्ट्रैक्टेड विथ। अरे सर माफ कीजिएगा, मुझे लगा आप ओनर हो, मुझे लगा कि कोई प्रॉपर्टी को या किसी दूसरे इंसान को रिप्रेजेंट करने की अथॉरिटी आपके पास में है। ये तो गलत हो गया सर, मेरी गलती हो गई आपको पहचानने में, पार्टी को पहचानने में मेरी क्या हो गई, गड़बड़ हो गई, राइट? आपने पोर्ट्रे इस तरीके से किया कि मुझे लगा आप ही पार्टी हो और आपके साथ में मैंने क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। लेकिन बेसिकली मैं आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता नहीं था भाई साहब, बेसिकली मैं आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता नहीं था भाई साहब। अंडरस्टूड द पॉइंट? एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं सर, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसका नाम है एडिडास। क्या नाम है? एडिडास, ठीक है। और ये कौन है? ये आप हो भाई साहब, ठीक है। और आपका ना काइंड ऑफ एक ड्रीम है, बोले यार जूते लेने हैं ना, तो बोले एडिडास, या फिर बोले मेरे को ना सर से लेके पैर तक एक बार बोले जिंदगी में ऐसा करना है कि जो भी बोले मैंने पहना हुआ है सब कुछ बोले काय का है एडिडास का। टोपी की बात करो, शर्ट की बात करो, ग्लव्स के बारे में बात करो, या फिर वो जो बैंड आते हैं उनकी बात करो, आप लोअर की बात करो, या फिर जूते की बात करो, सॉक्स, सब कुछ बोले मेरे को काय का चाहिए, एडिडास का चाहिए बोले, हैं? एक बार बोले जिंदगी में ये ख्वाहिश है बोले मेरी, इसको मेरे को क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि जब आप पढ़ लिख के एक प्रोफेशनल बन चुके हो, आपके पास में इनकम की कमी नहीं है, तो आपने क्या किया, आपने सोचा कि अब मेरा वो दिन आ चुका है जब मैं ये चीज को परचेज करता हूं। आप ना एक शॉप पे गए, ठीक है, और शॉप के ऊपर नाम जो है वो लिखा हुआ था
एडी, एक मिनट, एडी वट एवर, राइट। अब कई बार ऐसा होता है सर, ये मतलब नाम कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जिससे कि आपको ये लग रहा है कि अरे यार ये तो वही है, सेम वाली चीज है। आप चले गए, आप गए यहाँ पे जाके, आपने अपनी ख्वाहिश जो है ना वो दुकान वाले को बताई कि मेरे को सब कुछ ना ऊपर से लेके नीचे तक जितना भी है सब बोले एडिडास का चाहिए, राइट। दुकान वाले का बढ़िया सर, एक काम कीजिए बोले आप हमको 15,000 रुपये दे दीजिए, बदले में बोले हम आपको क्या करेंगे, हम आपको सारी चीजें, राइट। सबसे पहले बोले कैप की बात करो, या फिर आप टी शर्ट के बारे में बात करो, या फिर आप लोअर के बारे में बात करो, या फिर आप सॉक्स के बारे में बात करो, और या फिर बोले आप शूज के बारे में बात करो, सारी चीजें बोले हम आपको क्या देंगे, एडिडास की दे देंगे। अब आप बोल रहे हो दास, वो बोल रहा है बास, दास बास दास बास दास बास दास बास, ठीक है। बोले ठीक है, ये लोग बोले 15,000 रुपये, कल आता हूं, कल के दिन मुझे ये सारी चीजें आपसे चाहिए, ठीक है। बोले आप पहुंचे कल, आप कल पहुंचे, जैसे आप पहुंचे सामने वाले ने आपको ये सारी चीजें जो हैं दे दी आपको, और कहा ये लीजिए सर। आपने टी शर्ट वैसे खोल के देखा, उस पे लिखा हुआ था एडी बडास बडास बेडास वट एवर, राइट। आपने कहा ये क्या है, इकावा बवासीर बना दियो बोले, राइट। तो उसने कहा सर आप ही ने तो बोला कि हमको ये चाहिए करके, और इसलिए आपसे 15,000 रुपये जो है वो हमने चार्ज भी किए। उसने कहा आपका नाम क्या है, बोले एडी बदास। सर बोले ये अलग ही मजाक कर दिया आपने, नहीं ना ये नहीं चाहिए बोले हमको, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एडी दास। अरे मैं परचेज कुछ और ही करना चाहता था, तुम्हारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने का मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं है। बोले भाई साहब क्या बात कर रहे हो तुम, ये समझ में आया क्या, इज दिस पॉइंट क्लियर। सामने यहां पे ध्यान से सुनिएगा, माना कि मेरी मिस्टेक हो गई, लेकिन क्या मैं नेग्लिजेंट था क्या यहां पे, नहीं। क्या मैं इग्नोरेंट था क्या यहां पे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपने चीजों को पोट्रे कुछ इस तरीके से किया कि मुझे लगा कि आप तो वो हो, पर आप तो ये निकले। समझ में आई मेरी बात, राइट। तो ध्यान से भाई साहब क्या बोला गया, वेयर अ पार्टी एंटर्स इंटू अ एग्रीमेंट विथ सम पर्सन बिलीविंग हिम टू बी सम अदर पर्सन। अरे मुझे लगा आप ये नहीं, आप तो बोले वो है, इसलिए मैंने आपके साथ में क्या कर डाला, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर दिया। नाउ देर इज अ मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड विथ, इन सच अ सिचुएशन द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वॉइड प्रोवाइडेड द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टी इज ऑफ द मटेरियल सिग्निफिकेंस इन द कॉन्ट्रैक्ट। ये ध्यान से भाई साहब, यहां पे आपने कहा वॉइड क्यों, क्योंकि मुझे इससे लेना था, आपसे नहीं लेना था। अब दूसरा एक और सुनिए ध्यान से, क्या सर बोले मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, वापस से आप या अलग से क्यों बनाने का, ये रहे आप, ठीक है। आपने क्या कहा, मुझे ना शादी करने के लिए कपड़े चाहिए, और कपड़े के लिए आप कहाँ जा रहे हो, शॉप पे जा रहे हो भाई साहब। ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन है क्या कि कौन से ब्रांड का चाहिए, नहीं ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। सामने वाले ने आपको कपड़े जो है वो प्रोवाइड कर दिए, क्या कुछ भी वहां पे मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ क्या, नहीं। लेकिन फिर आपने कहा अरे अच्छा आपकी दुकान ये छोटे वाली दुकान है क्या, मेरे को लगा कि बड़े वाली जो दुकान है वो, बोले आपकी क्या फर्क पड़ता भाई, देखो कौन सा वो ब्रांड वाला चाहिए था। तुमने क्या कहा, अच्छी क्वालिटी के कपड़े दिखाओ, ये रहे कपड़े। तुमने हमसे कपड़े मांगे, हमने तुमको कपड़े दिए, अब तुम्हारी समझने में गड़बड़ हो गई, मैं क्या करूं बोले वो चीज के बारे में, ये समझ में आया, राइट। तो जहां पे वो नाम जो है ना वो मैटर करता है, उस केस में आप ये बोल सकते हो कि सॉरी मेरे समझने में गड़बड़ हो गई, मुझे लगा आप ये नहीं आप वो हो करके मैंने आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर लिया था, ये समझ में आया, इज दिस पॉइंट क्लियर। बोले ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। सर एट्रीब्यूट्स का मतलब यहां पे क्या है, क्वालिटी, ठीक है। जब भी आप किसी इंसान के बारे में बात करते हो ना, तो जो इंसान के क्वालिटी के बारे में बात किया जाता है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट्स से। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मेरे पास, इसका एकदम खतरनाक वाला बेस्ट वाला एग्जाम्पल है मेरे पास में। सर एक बंदा है, जानते होंगे शायद आप उसको, इशारा करूंगा समझ जाओगे। हिमेश, रेशमिया जी,
राइट, ये एक बंदा है बोले। और सडनली कहीं पे कोई तो भी एक लेडी जो है उनके बारे में पता चला सोशल मीडिया से, वट एवर, राइट, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो जब सोशल मीडिया में इनका गाना सुना तो ऐसा लगा कि यार क्या आवाज है, बोले बहुत ही बढ़िया, गजब। तो रेशमिया साहब पहुंच गए इनके पास में और कहा कि चलिए काम करते हैं, अपन ना एक साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जिसमें मैं बोले आपको 50 लाख रुपए दूंगा और आप गाना गाएंगे मेरे साथ में एक एल्बम के लिए। ये समझ में आया क्या? वो एक छोटा सा क्लिप देख के, छोटा सा क्लिप जो है ना उसको देख के ऐसा डिसाइड कर लिया कि आप बोले काम कीजिए, मेरे एल्बम के लिए गाना गाइए तो मैं आपको क्या दूंगा, 50 लाख रुपए दूंगा। राइट, अब ये लगा कि भाई साहब क्वालिटी जो है उनके गाने की क्वालिटी जो है, उनकी आवाज की क्वालिटी जो है नेचुरल वाली है, गजब वाली है, माहौल क्रिएट हो जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह। बट जब रियलिटी वाली चीजें हुई तो पता चला कि क्वालिटी के बारे में कंफ्यूज हो गए थे सर, है क्वालिटी जो है जो हमने सोचा था वो क्वालिटी थी ही नहीं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? या फिर दूसरा पता ही है आपको, है टक्कड़ टक्कड़ टक्कड़, कोनी कोनी, राइट, कोका 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 कोका, हर मेरे को समझ में नहीं आता हर वर्ड को 50 बार रिपीट क्यों करता, और हर गाने में वैसा ही है। आई नोटिस हर गाने में एक वर्ड ऐसा रहेगा जिसको 50 बार रिपीट करेंगे भाई साहब, क्यों भाई, ऑटो ट्यून के महाराज, राइट। तो भाई साहब सॉरी, आपकी क्वालिटी को लेकर हमें क्या हो गया था, हमें मिस्टेक हो गई थी, गलत फहमी हो गई थी, तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट को क्या नहीं करेंगे, परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ये समझा, ये किसके बारे में बात आ गई, एट्रीब्यूट्स यानी कि क्वालिटी को लेकर बात यहां पे आ गई। समटाइम्स द पार्टीज आर फेस टू फेस बट वन ऑफ द पार्टीज फेल टू आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ऑफ द सॉरी और द पर्सन इफ सच आइडेंटिटी of the attribute of the person is a material fact the contract is void। एक और वो कौन सी मूवी थी, आई डोंट नो, आयुष्मान खुराना और यामी गौतम टकले वाली, सर पे बाल नहीं थे उसके, विग लगा के घूम रहा था, ठीक है। तो बाद में जाके जब यामी गौतम को पता चलता है तो वो शादी हो चुकी होती है, बकायदा शादी हो चुकी होती है, लेकिन जब सुहागरात वाले दिन बोले घूंघट उठा रहा हूं मैं, है घूंघट उठा रहा हूं मैं, ऐसा जब उसने बोला तो उसने जब देखा मतलब बाल को ऐसे हटाया तो बोले कि अरे भाई साहब तुम तो टकले निकले, अंकल निकले बोले तुम तो, राइट। उसने शादी को वहीं पे तोड़ दिया। और ये क्या ये वाजिब रहेगा? आंसर इज यस सर। क्यों? सॉरी, आपको समझने में, आपकी क्वालिटी को समझने में मुझसे गलती हो गई थी, मुझसे गड़बड़ हो गई, अब गड़बड़ को मेरे को सुधारना है, बोले डेफिनेटली हो सकता है ये चीज, राइट। चलिए लेट्स मूव अहेड, बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, मिस्टेक एज टू द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का नेचर जो ना वो समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि आप प्रॉपर्टी रेंट पे देना चाह रहे हैं लेकिन आप तो बेसिकली प्रॉपर्टी को बेचने की बात कर रहे थे, उसको लेके भी प्रॉब्लम हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के नेचर को लेके भी मिस्टेक जो है वो हो सकती है साहब। ये समझ में आया, ध्यान से देखिएगा। When one of the party makes a mistake as to the nature of contract, it is void. Such a mistake may be caused due to some physical or mental weakness or illiteracy of the party or due to some fraudulent act of the other party. Sir, मैं गया एक बंदे के पास में जाके, मैंने कहा कि मालक लोन चाहिए था वो घर का, थोड़ा सा मुझे कंस्ट्रक्शन करना था तो थोड़ा सा लोन प्रोवाइड कर देंगे क्या? उसने कहा प्रॉपर्टी के कागज हैं? कहा है, लाओ, बोले तुम्हारे प्रॉपर्टी के कागज लाओ। अंगूठा लगवा लिया उसने, मैं कौन, मैं गांव का अनपढ़ गवार बेचारा किसान आदमी, अंगूठा लगवा लिया उसने, उसमें लिखा हुआ का था, उसमें लिखा हुआ था कि इस बंदे को पैसा चाहिए तो मैं इसको पैसा दे रहा हूं, बदले में ये अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दिया, सेल कर दिया भाई साहब, का बात करत हो, सेल कर डाला का, हाँ सेल कर दिया सीधा उठा के, राइट। तो यहां पे सिंपल सा ध्यान से देखिएगा, क्या सर मेरा जो समझने का था, मैं आपसे लोन ले रहा हूं बट आप क्या समझे कि मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको बेच रहा हूं, दिस इज नॉट ट्रू, बोले, ये समझा। तो ये चीज का भी एक्सक्यूज लिया जा सकता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को आप वॉइड करवा सकते हैं। ये समझ में आया, इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है सर, चलिए। तो यही चीज को अगर अपन यहां पर बताना चाहें
अगर वन पार्टी की बात की जा रही है तो ऑन द मिस्टेक बाय वन पार्टी अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी On the mistake by one party, a contract can never be void. ठीक है, usually. Got the point? मतलब वो क्या माना जाएगा? Valid माना जाएगा, but exceptions exceptions में तीन बातें दे दी भाई साहब. मिस्टेक, एज टू आइडेंटिटी ऑफ पार्टी, दूसरा मिस्टेक ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ पार्टी, और तीसरा मिस्टेक एज टू नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट का जो नेचर था ना, बोले उसको लेके क्या हो गया, उसको लेके बोले मिस्टेक जो है वो आपने यहां पे कर दी. ये समझ में आया क्या भाई साहब? अगर ऐसा रहता है तो आप यहां पे इन केसेस के अंदर, ठीक है, In above cases, a contract may be declared as void. इसको बोले void declare किया जा सकता है, किया जाएगा ही, जरूरी नहीं है, किया जा सकता है. ठीक है, चलिए अब यहां पे गौर फरमाइएगा भाई साहब, काफी सारे केसेस जो है ना वो अपन यहां पे देखते हैं. सबसे पहले वाला केस, मिस्टेक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर. एग्जांपल देखिएगा, ए नाम का बंदा है, एग्री करता है बी के साथ टू बाय अ सर्टेन हॉर्स. घोड़े वाला मैंने आपको बता ही दिया था शायद. इट टर्न्स आउट दैट हॉर्स वाज डेड एट द टाइम ऑफ अल्लाह. जब बार्गेन कर रहे थे वो बोला मैं 70 में दूंगा, बोले नहीं 50 ठीक रहेगा. बार्गेन करते करते 60 में आए, ठीक है. लेकिन जिस टाइम पे आप बार्गेन कर रहे थे ना, घोड़ा जो है वो मरा पड़ा था. ठीक है, दो निदर पार्टी, मतलब दोनों ने मिस्टेक कर दी भाई साहब, दोनों को फैक्ट के बारे में पता ही नहीं था. निदर पार्टी वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट. एग्रीमेंट क्या रहेगा? वॉइड रहेगा. ना बेचने वाले को पता है कि घोड़ा मर गया है, ना खरीदने वाले को पता है कि घोड़ा क्या हो चुका है, मर चुका है. ये समझा? ठीक है. दूसरा, मिस्टेक अबाउट द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. टाइटल मतलब सब बोले जिस प्रॉपर्टी को मैं खरीदने की बात कर रहा हूं उसकी ओनरशिप जो है वो बोले किसके पास में, हु इज द ओनर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, राइट. ये सवाल आपको पूछा गया. अब ये ध्यान से भाई सब, एग्जाम्पल, ए एग्री टू सेल टू बी ऑल हिज राइट इन अ लैंड इंक्लूडिंग द राइट टू माइन मिनरल्स. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा है वैसा. बोले ए नाम का एक बंदा है और इस बंदे के पास में ना एक प्रॉपर्टी है, और बी को ये पता चला कि इस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ तो भी मेटल है, बोले ओर लगा लो, मैग्नीज लगा लो, गोल्ड लगा लो, और एज द केस में भी. ठीक है, तो बी और ए, बी जो है वो ए के पास में गया, जाके कहा कि मुझे आपकी प्रॉपर्टी चाहिए, और उस प्रॉपर्टी में माइनिंग करने का जो अधिकार है ना वो भी बोले मेरे को चाहिए. एने का ले ले, ए ने कहा ले ले, बोले कोई दिक्कत नहीं. ध्यान से सुनिएगा, ए जो है वो इस प्रॉपर्टी का मालिक है, राइट, और ए को भी पता है, बी को भी पता है कि इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, कोई तो भी मेटल है, और उसको बोले वहां से खोद के निकाला जा सकता है, राइट. ए ने कहा प्रॉपर्टी दूंगा 5 करोड़ रुपए में, प्लस इसमें माइनिंग करने का जो अधिकार है वो भी दे देता हूं 10 करोड़ रुपए में, 15 करोड़ रुपए दे दे और दोनों चीज लेके चले जा. बी ने दे दिया भाई साहब पैसा,
प्रॉपर्टी जो है वो भी ले ली, ठीक है। बी ने कहा कल से यहां माइनिंग का श्री गणेश करते हैं भाई साहब, कल से बोले यहां पे माइनिंग का जो काम रहेगा ना वो बोले अपन यहां पे क्या करते हैं स्टार्ट करते, बोले कल से, ठीक है, बोले ठीक है, बोले लेट्स स्टार्ट दैट राइट। अभी ध्यान से, सब्सिक्वेंटली इट वॉज फाउंड दैट ए राइट डिड नॉट इंक्लूड द राइट टू द माइन द मिनरल। ओ भाई साहब, गवर्नमेंट वहां पे आ गई, गवर्नमेंट ने आगे क्या कर रहे हो, बोले खोद रहे हैं। क्यों खोद रहे हो, बोले ये निकालना है। क्यों निकाल रहे हो भाई साहब, ये चीज करने का अधिकार बोले आपके पास भी नहीं, प्रॉपर्टी भले ही एक ही थी ये मानते बोले अपन, लेकिन ए जो है उससे ये अधिकार ऑलरेडी गवर्नमेंट ने या तो कंपल्सरीली एक्वायर कर लिया था और या तो उसको पैसे देके एक्वायर कर लिए थे, या फिर ए को खुद को नहीं पता था कि मेरा वो अधिकार वहां पे है या नहीं है, राइट। तो बी बोलेगा सर एक काम करो, मेरे को ना क्या करूं मैं प्रॉपर्टी का, नाचू क्या भाई साहब, प्रॉपर्टी का करूंगा क्या, मैं क्यों ले रहा था प्रॉपर्टी, क्योंकि मुझे यहां पे माइनिंग करने का अधिकार जो है वो चाहिए था और उसी के लिए मैंने 10 करोड़ रुपए भी पे किए। अगर माइनिंग करने का अधिकार गवर्नमेंट के पास में होगा तो मैं ये प्रॉपर्टी का भी क्या करूंगा भाई साहब, ये 5 करोड़ वापस ले लो, सॉरी 5 करोड़ मुझे वापस दे दो, 10 करोड़ भी वापस दे दो और प्रॉपर्टी का अधिकार भी तुम्हारे पास में रखो, बोलो ये समझ में आया। चलिए, दिस फैक्ट वॉज नॉट नोन टू बोथ द पार्टीज एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट वॉज हेल्ड टू बी वॉइड बिकॉज विदाउट द राइट टू माइन द लैंड वॉज वर्थलेस टू बी हुज ओनली ऑब्जेक्ट वॉज टू वर्क द माइन। वो निकालना तो वही चाहता था ना, माइनिंग करने का तो काम करना चाहता था ना भाई साहब वो, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी भी वापस कर सकता है कि मेरे को तुम्हारी ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, रखो बोले तुम अपने ही पास में। ये समझ में आया कि अंडरस्टूड द पॉइंट, बोले ठीक है सर। लेट्स मूव अहेड, बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में, मिस्टेक अबाउट द सब्सटेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, क्या बोला, सब्सटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहता भाई साहब। सर बोले ए नाम का बंदा है जो कि एक जंगल का मालिक है, फॉरेस्ट का मालिक है भाई साहब, ठीक है। ग्रांटेड अ लाइसेंस टू बी, उसने बी को लाइसेंस दिया कि आप क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो ऑल द सीजाल। सर ये सीजाल क्या होता है, एक काइंड ऑफ फाइबर होता है जिससे ना रस्सी वगैरह बनाई जाती है, पत्ते वगैरह रहते हैं बड़े बड़े जिससे रस्सी वगैरह जो वो बनाई जा सकती है, ठीक है, जो कि बोले जंगल में क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। नाउ बी इन रिटर्न अंडरटुक टू मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर टू ए 50 टन सीजाल फाइबर पर मंथ। लाइसेंस ले लिया, ठीक है, बोले ठीक है ये वाला काम मैं करूंगा, बोले और तुमको मैं क्या करूंगा, 50 टन सिजाल फाइबर जो है हर महीने मैं तुमको दूंगा, बोले। ये उसने बी ने क्या कर लिया, ए के साथ में एग्री कर लिया। अब सवाल ये, एक बार बताओ, क्या जो आपका ये जंगल है उससे 50 टन फाइबर जो है वो निकलता होगा क्या, या उससे ज्यादा निकलता होगा क्या? बी ने सोचा कि शायद 100 टन के आसपास यहां निकलेगा, 50 टन मैं इसको दे दूंगा, मेरा 50 टन मैं लेके जाऊंगा मार्केट में जाके बेचूंगा, बोले मैं ऐसा सोचा। आगे देखिएगा, बट इट वॉज फाउंड दैट, पता कब चलेगा, जब एक्चुअल में आप वहां पे काम करोगे तब पता चलेगा, ठीक है। दैट लीफ पोटेंशियल ऑफ द सिजाल एरिया वॉज नॉट सफिशियंट टू मैन्युफैक्चर 50 टन ऑफ द सिजाल फाइबर पर मंथ। पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब, मतलब उस जंगल की ही पोटेंशियल नहीं है, उस जंगल की ही कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 50 टन सिजाल लीफ का फाइबर जो है वो मुझे दे पाए। गॉट द पॉइंट। एज सच बी कुड नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, ए फाइल्ड सूट अगेंस्ट बी फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ले भाई साहब, कहां से निकाल के दूं मैं, हैं, खुद के शरीर से बनाऊं क्या, बोले मैं फाइबर, भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप, ठीक है। द एग्रीमेंट वॉज हेल्ड टू बी वॉइड एंड द कोर्ट ऑब्जर्व दैट हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट वॉज वेरी बेसिक ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट द सिजाल एरिया शुड बी कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ 50 टन अ मंथ थ्रू आउट द टर्म ऑफ द लाइसेंस एंड द मिस्टेक वॉज अबाउट मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट। गॉट द पॉइंट। यहां पे सब्सटेंस टू द सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या हुआ, एसेंशियल वाली चीज। ये समझ में, अगर वही क्लियर नहीं था तो ऐसे केस में क्या बोल सकते अपन सीधा सीधा कि जो कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज के बीच में हुआ था इसको समझने में दोनों ने गलती कर दी, एक ने नहीं, दोनों ने गलती कर दी। ये समझा, ठीक है। फोर्थ वाला पॉइंट, मिस्टेक अबाउट द क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, क्वालिटी को लेकर मिस्टेक हो गया भाई साहब। नाउ ए ऑफर्ड टू परचेज अ रेस हॉर्स फ्रॉम बी, जो कि क्या था, एक हॉर्स का डीलर था। नाउ बी एक्सेप्टेड द ऑफर बिलीविंग इट टू बी अ कार्ट हॉर्स, ठीक है।
In this case, the agreement is void as both the parties are mistaken about the quality of the subject matter. Here the mistake as to the quality makes the subject matter altogether different from the thing as it was believed to be. मतलब A को चाहिए था रेस वाला घोड़ा, B समझ रहा है कि उसको अगर cart horse मतलब जो बोझा ढोने का काम करता अगर वो वाला भी दिया तो भी चलेगा, नहीं ना भाई साहब, जो क्वालिटी है उसी को लेके ही अपन ने क्या कर दिया, क्या कर दिया आपने, गलत वहां पे इंटरप्रेट कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मिस्टेक अबाउट द क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर. सब क्वांटिटी को लेके क्या हो गया, गड़बड़ हो गई. सामने वाले बंदे के पास में ए नाम का जो बंदा है वो जाता है बी नाम के बंदे के पास और कहता भाई साहब मेरे को ना कॉटन रील चाहिए 200. कॉटन रील वो होते ना जो मशीन पे लगती है, कपड़े की जो मशीन आपकी रहती है, कपड़ा सिलने का जो काम करती है, सूट वगैरह जो सिलने का काम करती है. ठीक है, बोले मुझे 200 कॉटन रील चाहिए. बोले ठीक है, तो उसने कहा हाँ ठीक है देता हूँ. और बोले एक रील जो रहेगी ना उसमें बोले 400 मीटर धागा रहेगा. कितना धागा रहेगा, 400 मीटर धागा रहेगा. बोले ठीक है, अगर 400 मीटर धागा होगा तो एक रील का मैं 10 रुपया दूंगा, ऐसे अगर 200 रील आपके रहेंगे तो 2000 रुपये मैं पे करने को तैयार हूं. सब्जेक्ट टू कंडीशन कि उसमें क्या रहना चाहिए, 400 मीटर एक रील के अंदर धागा जो है वो होना चाहिए. ठीक है, बाद में जब उसको यूज किया गया, अननोन टू बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज को ये चीज के बारे में नहीं पता था कि एक्चुअल में जो धागा था ना वो 400 मीटर से बहुत कम था. यूज करने के बाद में पता चला कि शायद 300 मीटर ही था भाई साहब. अगर 400 से थोड़ा बहुत 10-20 मीटर कम है समझ में आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन 300 मीटर ही था, 100 मीटर कम बहुत ज्यादा हो गया भाई साहब ये तो. ठीक है, तो ऐसे केस में द एग्रीमेंट वॉज वाइड एज देर वॉज अ बायलेटरल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. दोनों ने गड़बड़ कर, दोनों ने मिस्टेक कर दी. गॉट इट. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मिस्टेक अबाउट द प्राइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर. ये क्या कहता है, A agreed to let out his house to B for a monthly rent of 450. ठीक है, पुराने जमाने का एग्जाम्पल यहाँ पे लेके रखा हुआ, तो 450 रुपये, 4500 आप लगा लीजिए. ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि आपने एग्रीमेंट के अंदर जो फिगर लिखा बाय मिस्टेक 5 की जगह 4 और 4 की जगह 5 लिख दिया. मिस्टेक हो गया ना भाई साहब, इसका मतलब ये थोड़ी कि 540 पे करना पड़ेगा. नहीं, एग्री किस बात पे हुए थे, 450 पे, तो कितना पे करूंगा, 450. तो ये कॉन्ट्रैक्ट यहां पे क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा और इसे आपको क्या करना होगा, दोबारा बना. मिस्टेक जो आपकी हुई थी उसको ठीक कर लीजिए, आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं. गॉट द पॉइंट. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर ही आपके क्या हो गए, डिफरेंट वाले हो गए. क्या कहते हैं भाई साहब, इन द माइंड ऑफ बोथ द पार्टीज, ए बॉट फ्रॉम बी सर्टेन गुड्स विच वर टू अराइव, जो आने वाले हैं फ्रॉम बॉम्बे थ्रू अ शिप जिसका नाम क्या है, पियरलेस. ए और बी के बीच में कोई गुड्स को लेके कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, और बोले ये शिप आने वाला है, कहां से आएगा, बॉम्बे से आने वाला है, शिप का नाम क्या है, पियरलेस. ठीक है, टू शिप वर विद द नेम पियरलेस सेल्ड फ्रॉम बॉम्बे, एक बोले अक्टूबर में और दूसरा कब आएगा, दिसंबर में. ले भाई साहब, राइट, दो शिप आ रहे, मैंने कहा पियरलेस शिप से आने वाला है भाई साहब. अब एक पार्टी सोच रही अच्छा अक्टूबर में आ जाएगा, दूसरी पार्टी सोच रही क्या दिसंबर तक देने का है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से दे सकते हैं. ए हैड द फर्स्ट शिप इन हिज माइंड एंड बी हैड द सेकेंड इन द माइंड, द एग्रीमेंट वॉज हेल्ड टू बी वॉइड. क्यों, ट्रू कंसेंट वही नहीं ना सर, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है. गॉट द पॉइंट, डन. और फिर आता है आठवें वाला पॉइंट, मिस्टेक अबाउट द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. मतलब वो परफॉर्मेंस हो ही नहीं पाएगा, कैसे, ध्यान से सुनिएगा एग्जाम्पल. सब बोले ए ने एक रूम जो है वो बी से किराए पे लिया, हायर्ड किराए पे लिया भाई साहब. गॉट द पॉइंट, क्यों लिया, बोले सर किंग एडवर्ड 7th वाला जो है ना उसकी झांकी जो है वो निकलने वाली, कोरोनेशन प्रोसेसिंग जो है वो निकलने वाला. बोले भाई साहब वहां से, गॉट द पॉइंट, और मुझे वो देखने को मिलेगा क्योंकि इसी रोड से जाएगा और ये रोड के वाले रूम जो वहां पे है वहां पे मैं खड़ा रहूंगा तो मुझे झांकी देखने को मिलेगी. नाउ अननोन टू बोथ द पार्टीज द प्रोसेशन वॉज कैंसल्ड. ये रास्ता चेंज कर दिया गया,
गॉट द पॉइंट, दोनों पार्टीज को पता नहीं था, लेकिन रास्ता क्या कर दिया गया, सर जिस पर्पज के लिए मैंने ये प्रॉपर्टी आपकी ली थी वो पर्पज अगर नहीं हो रहा होगा, अगर परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया आपका, वॉइड हो गया सर। गॉट द पॉइंट, चलिए। दिस एग्रीमेंट वॉज हेल्ड टू बी वॉइड, इन दिस केस द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट वॉज इम्पॉसिबल एज द पर्पज फॉर विच द रूम हायर्ड हैड बीन डिफीटेड एंड बोथ द पार्टीज वर मिस्टेकन अबाउट द फैक्ट ऑफ द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये समझ में आया क्या? चलिए, तो ये जितने भी एग्जाम्पल अपन ने देखे वो थे आपके बायलेटरल मिस्टेक वाले, अब बात करते हैं यूनिलेटरल मिस्टेक वाले, ठीक है, जिसमें अलाउड रहेगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करके चल सकते हैं। नाइन्थ वाला देखिए, जो मैंने आपको एडिडास वाला एग्जाम्पल दिया था वहीं पे ही एग्जाम्पल क्या है, ब्लैंकान नाम का है, ध्यान से सुनिएगा। ए रिसीव्ड ऑर्डर इन राइटिंग फ्रॉम अ फ्रॉडुलेंट मैन जिसका नाम क्या था, ब्लैंकान। एक फ्रॉडुलेंट मैन था, इंसान था, नाम क्या था, ब्लैंकान। उसने क्या किया, ए को ऑर्डर दिया, ठीक है। नाउ द ऑर्डर पेपर्स हैड प्रिंटेड हेडिंग ब्लैंकान एंड कंपनी 37 वुड स्ट्रीट, ऐसा वहां पे लिखा हुआ था। देयर वॉज अ वेल नोन, ये सब्सिक्वेंटली एक दूसरा फैक्ट जो है वो आपको बताया जा रहा है कि एक और कंपनी था, वेल नोन नेम था, रिस्पेक्टेबल फर्म था, नाम क्या था, ब्लैंकिरोन एंड कंपनी, एडिडास एडिबास, ठीक है। ब्लैंकिरोन, बोले यार ब्लैंकिरोन कंपनी से ऑर्डर आया है, ब्लैंकिरोन कंपनी को ऑर्डर देना है बोले अपने को। व्हाट द पॉइंट, एड्रेस सेम, सेम गली के अंदर था बोले। नाउ इन द सेम स्ट्रीट, सॉरी, ए बिलीविंग दैट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम द जेन्युइन फर्म सेंट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हैंकरचीफ, भेजा किसको, ब्लैंकान को भेज दिया, ठीक है। द ब्लैंकान रिसीव द गुड्स एंड डिस्पोज देम ऑफ टू बी, मतलब किसी और को दे दिया जो कि गुड फेथ में काम कर रहा था, ठीक है। इट वॉज हेल्ड दैट देर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड ब्लैंकान बिकॉज ए इंटेंडेड टू कॉन्ट्रैक्ट विद द ब्लैंकिरोन एंड कंपनी एंड नॉट विद द ब्लैंकान, ए न्यू नथिंग अबाउट द ब्लैंकान एंड हैड नेवर इंटेंडेड टू डील विद हिम। भैया आपके बारे में अगर मुझे पता होता कि आप ब्लैंकिरोन एंड कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करता, बोले ये समझा, मेरा कभी आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करने का इंटेंशन था ही नहीं, तो जो चीज मैंने आपको दी है मुझे मेरी चीज क्या चाहिए, वापस चाहिए, पैसा वैसा नहीं चाहिए बोले मेरे को आपसे। अंडरस्टूड द पॉइंट, ये आपका जो एग्रीमेंट होगा दिस इज वॉइड एब इनिशियो, ये समझ में आया, ठीक है सब। नेक्स्ट वाला 10 वाला, सब बोले ए नाम का एक बोले फ्रॉडुलेंट इंसान है, एडॉप्टेड द नेम ऑफ एच एंड कंपनी, द फर्म विद द नेम ऑफ एच एंड कंपनी वॉज नॉट इन एग्जिस्टेंस, ऐसी कोई कंपनी थी नहीं बोले। गॉट द पॉइंट, लेकिन उसने क्या किया, उसने एक नाम जो है वो एडॉप्ट कर लिया, बोले ये नाम से मेरी फर्म है बोले, ठीक है। इट वॉज ओनली अ फिक्टिशियस नेम एडॉप्टेड बाई ए हु प्लेस्ड एन ऑर्डर विद द बी फॉर द सप्लाई ऑफ सम गुड्स, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑर्डर बी सप्लाइड द गुड्स टू ए हु फर्दर सोल्ड अ गुड्स टू सी, जो कि गुड फेथ में काम कर रहा था। नाउ बी ने क्या किया, सी के ऊपर केस किया फॉर द वैल्यू ऑफ गुड्स। गॉट द पॉइंट, बी ने क्या किया, सी पे केस कर दिया कि मुझे गुड्स का क्या चाहिए, पैसा चाहिए। इट वॉज हेल्ड दैट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड, सॉरी बी एंड ए, एच एन कंपनी किसकी थी, ए की थी, ठीक है। इट वॉज नॉट वॉइड बिकॉज बी कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल द गुड्स टू द राइटर ऑफ द लेटर, ये ध्यान से भाई साहब। पहले वाले में अपन ने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था, क्यों, क्योंकि ब्लैंकान नाम का जो बंदा था वो ब्लैंकिरोन एंड कंपनी के साथ में क्या हो रहा था, मिसमैच हो रहा था। लेकिन यहां पे अगर बात करोगे तो माना कि सामने वाले ने कंपनी का नाम बताया एच एंड कंपनी, लेकिन साइन करने वाला कौन था, ए नाम का बंदा था। गॉट द पॉइंट, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये आपका वैलिड होगा, यानी कि कंपनी बी नाम का जो बंदा है वो यहां पे केस कर सकता है। ध्यान से, हियर ए एंड एच एंड कंपनी बीइंग द सेम पर्सन, बी हैड नॉट मेड एनी मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बी एंड एच एंड कंपनी वॉज वॉइडेबल फॉर द फ्रॉड। फ्रॉड के तरीके से आप इसको वॉइडेबल बता दीजिए, बट ये मत बोलना कि सर ये मिस्टेक हो गया मेरे से, ऐसा मत बोल देना बोले। गॉट द पॉइंट, एंड इट कुड नॉट बी रिवोक्ड आफ्टर सी हैड एक्वायर्ड द गुड्स इन द गुड फेथ। सी को ये नहीं बोल सकते आप कि भैया मेरे को मेरे गुड्स वापस कर दीजिए, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मैंने गलती से बना, गलती से कैसे कर लिया,
और क्या फर्क पड़ता है कि एचएंड कंपनी किसकी है किसकी नहीं है करके। आपने ए के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था, ए को समझने में कोई गलती हुई कि आपके साथ? नहीं सर, ए ने फ्रॉड किया ये आप यहां पे बोल सकते हो, लेकिन क्या सी से गुड्स को वापस लेने की बात कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि सी क्या कर रहा है, गुड फेथ में काम कर रहा है भाई साहब। आप ए से पैसे लेने की बात कर लो वो चलेगा, आप सी से पैसे लेने की बात कर लो वो भी चलेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करने की बात जो है वो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए लास्ट एग्जांपल। ए नाम का बंदा है प्लेस्ड अ डॉक्यूमेंट बिफोर बी, जो कि एक बूढ़ा आदमी था। बी क्या था, एक पैर कब्र में था बी का, ठीक है। ए फॉल्सली टोल्ड बी दैट इट वॉज एन ऑर्डिनरी गारंटी। बोले चाचा वो बंदे से थोड़ा पैसा उधार ले रहा हूं, आप रेप्यूटेड बंदे हैं, आपके बारे में सब जानते हैं अच्छे तरीके से, अगर आप उसको गारंटी दे दोगे कि मैं पैसा उसको चुका दूंगा तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, प्लीज कर दीजिए, ठीक है, ऐसा उसको बताया एंड इंड्यूस्ड हिम टू साइन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट पे क्या करवा लिया, साइन करवा लिया। नाउ बी साइंड द डॉक्यूमेंट ऑन द बिलीफ दैट इट वॉज मेयरली, सिर्फ क्या था, एक गारंटी था, राइट। इन फैक्ट द डॉक्यूमेंट वॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ओ माई गॉड, डॉक्यूमेंट क्या था, बिल ऑफ एक्सचेंज। सर ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसपे ये लिखा हुआ रहता है कि तुम्हारे लिए मैं बिल दे रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये डॉक्यूमेंट तुम कल को मेरे पास में लेके आना और मैं तुमको इसके बदले में क्या दे दूंगा, पैसा जो है वो दे दूंगा। एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, ए नाम का बंदा है वो बी नाम के बंदे को एक बिल ऑफ एक्सचेंज देता है जिसमें ये लिखा हुआ रहता है कि ये बिल तुम मेरे पास में लेके आना या मेरे कैशियर के पास लेके जाना और 10,000 रुपये मेरे कैशियर से ले लेना। गॉट द पॉइंट। अब जब ये बिल बी के पास में आएगा तो बी क्या करेगा, बी जाएगा ए के कैशियर के पास, ठीक है, और वो पैसा ले सकता है। अब ये ए कौन है भाई साहब, ए इज द ओल्ड मैन। ए क्या है, ओल्ड मैन है, और बी नाम का जो बंदा ये फ्रॉडलेंट मैन है। इसने क्या बोला, इसने कहा सर मैंने ना सी से पैसा लिया है, आप साइन कर दो जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि अगर मैंने सी को पैसा पे नहीं किया तो आप इसके लिए क्या हो, गारंटर हो। उसने साइन कर दिया, बट बेसिकली क्या था कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज था 10,000 रुपये का, राइट। और बी यही चीज को लेके किसके पास गया, ए के कैशियर के पास गया और कहा कि सर 10,000 रुपये देने बोले आपको। गॉट द पॉइंट। आगे देखिएगा, विच वॉज लेटर ऑन इंडोर्स्ड बाय द बी टू सी। उसने क्या किया, किसी और के पास जाके उसको इंडोर्स कर दिया, ठीक है। सी फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट ए। ले भाई साहब, ए नाम का जो बंदा था उसके ऊपर केस फाइल किया ऑन द बेसिस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इट वॉज हेल्ड दैट ए वॉज नॉट लाइबल फॉर द बिल एज ही नेवर इंटेंडेड टू साइन द बिल ऑफ एक्सचेंज। अंडरस्टूड द पॉइंट, बोले ठीक है साहब। He was deceived not merely for the legal effect but also for the very nature of the document. भाई साहब कहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज है और कहाँ बोले आपका गारंटी वाला डॉक्यूमेंट। तो ऐसे केस में आप इसके ऊपर केस कर ही नहीं सकते हो। गारंटी वाला डॉक्यूमेंट होता तो डेफिनेटली आप केस कर सकते थे, अगर बी ने पैसा नहीं दिया होता तो। गॉट द पॉइंट। चलिए नेक्स्ट भाई साहब, कुछ एग्जाम्पल इसका जवाब आपको देना है, आप बताइएगा। ए नाम का बंदा है जो कि बी के साथ में एग्री करता है टू सेल अ स्पेसिफिक कार्गो ऑफ द गुड्स सपोज टू बी ऑन इट्स वे फ्रॉम इंग्लैंड टू बॉम्बे। कहाँ से आ रहा है, इंग्लैंड से बॉम्बे आ रहा है। इट टर्न्स आउट दैट बिफोर द डे ऑफ बार्गेन द शिप कन्वेनिंग द कार्गो हैड बीन कास्ट अवे एंड द गुड लॉस्ट। ओ भाई साहब, बरमूडा ट्रायंगल में फंस गई आपकी शिप जो है और गुड्स क्या हो गए, गए। दोनों को ये चीज के बारे में पता नहीं है, ठीक है। हाँ, Neither the party was aware about the fact. State the consequences. क्या होगा भाई साहब, सर ये आपका void हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पार्टी ने इसको लेके क्या कर दिया, मिस्टेक कर दी समझने को कि कार्गो आने वाला है या नहीं आने वाला है, ठीक है। दूसरा, A agreed to buy from B a certain horse. It turns out that the horse was dead at the time of bargain. दोनों पार्टीज को इसके बारे में भी नहीं पता था, तो ये भी क्या हो जाएगा, सब बोले ये भी वॉइड हो जाएगा साहब, राइट। चलिए नेक्स्ट, ए बीइंग एंटाइटल्ड टू द एस्टेट फॉर द लाइफ ऑफ बी। ये ध्यान से हा? बोले जब तक बी नाम का बंदा जिंदा है बी की जो प्रॉपर्टी है उस पे अधिकार किसका रहेगा, ए का रहेगा।
ऐसा बी ने शायद कभी कुछ बोला होगा, अपनी वसीयत में लिखा होगा या एज द केस में भी, ठीक है। नाउ एग्रीज टू सेल इट टू सी, ए ने एग्री कर लिया कि वो प्रॉपर्टी किसको बेचेगा, सी को बेचेगा। क्यों? क्योंकि बी के मरने के पहले ये अधिकार किसके पास में है, मेरे पास में, ठीक है। नाउ बी वॉज डेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, हो बी क्या हो चुका था, बी मर चुका था, बट बोथ द पार्टीज वर इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट, स्टेट द कंसिक्वेंसेस। यहां पे भी क्या आ जाएगा, वॉइड हो जाएगा भाई साहब। बी नाम का बंदा मर चुका है, अगर वो मर चुका है तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ये चीज के बारे में आपको पता नहीं था, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, एग्रीमेंट जो होगा, इट इज वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ए नाम का बंदा था इंटेंडिंग टू डिसीव बी, सर फ्रॉड करना चाहता था बी के साथ, ठीक है। फॉल्सली रिप्रेजेंट्स दैट 500 माउंड ऑफ इंडिगो आर मेड एनुअली एट एज फैक्ट्री। अच्छा जी, बोले मेरी फैक्ट्री में 500 पाउंड ऑफ इंडिगो जो है उसका बोले मैन्युफैक्चर जो है वो होता है, एंड देयर बाय इंड्यूस्ड बी टू बाय द फैक्ट्री। क्या मैं कह सकता हूं ये कॉन्ट्रैक्ट भी आपका वॉइड हो जाएगा सर, यस और नो? क्योंकि आपने क्या कर दिया, मिस्टेक कर दिया ये चीज को लेके। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन। नेक्स्ट पॉइंट, ए बाय सॉरी ये आपका वॉइडेबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड हुआ है, एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को इंड्यूस किया है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल रहेगा एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ए बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, यहां पे क्या कर दिया, मिसरिप्रेजेंटेशन किया, ठीक है, लीड बी इरोनियसली टू बिलीव दैट 500 माउंड ऑफ इंडिगो आर मेड एनुअली एट एस फैक्ट्री। बी एग्जामाइन द अकाउंट्स ऑफ द फैक्ट्री, अकाउंट्स को चेक किया, ठीक है, विच शोज दैट ओनली 400 माउंड्स इन द इंडिगो हैव बीन मेड आफ्टर दिस बी बाय द फैक्ट्री। सर ये कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। क्यों? आपने इंस्पेक्शन किया सर, वहां पे आपको समझ में आ गया कि 400 ही होता है, यू आर ओके विद दैट, ठीक है। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इसको आप वॉइडेबल मत बोल देना, भले ही सामने वाले ने मिसरिप्रेजेंटेशन किया था, क्योंकि एक्सेप्शन में बोला था ये चीज, राइट। आपने उसको फिर भी क्या कर दिया, अफर्म कर दिया, रेटिफाई कर दिया, बात ही खत्म हो गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ए नाम का बंदा फ्रॉडुलेंटली इन्फॉर्म बी, फ्रॉड हो गया भाई साहब, ठीक है, दैट एज स्टेट इज फ्री फ्रॉम द एनकम्ब्रेंस बी देयर अपॉन बाय द स्टेट। ए ने शायद किसी बैंक से लोन लिया था और उससे उसने प्रॉपर्टी को परचेज किया, ठीक है। एनकम्ब्रेंस होने का मतलब क्या होता है, किसी भी टाइप का गिरवी होना, मॉर्गेज होना, वो सब चीजों को बोलते हैं एनकम्ब्रेंस होना, ठीक है। दिखाया क्या, नहीं 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 नहीं, बोले कोई एनकम्ब्रेंस नहीं है, इट इज फ्री, ठीक है। किसी और से बोले पैसा वैसा उधार लिया हुआ नहीं, बोले इट इज फ्री, ऐसा आपने दिखाने की कोशिश करी। बी देयर अपॉन बाय द स्टेट, बी ने क्या किया, स्टेट को परचेज कर लिया, ठीक है। द स्टेट इज सब्जेक्ट टू मॉर्गेज, बोले तो ये आपका जो एग्रीमेंट रहेगा ये वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ बी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके साथ में फ्रॉड हुआ है भाई साहब, राइट। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी हैविंग डिस्कवर्ड अ वेन ऑफ ओर, वेन मतलब बोले सतह है होना, काय की ओर की, दैट इज व्हाट काइंड ऑफ एक मिनरल लगा लीजिए, ठीक है, ऑन द स्टेट ऑफ ए। बी को ऐसा पता चला कि ए नाम का जो बंदा है ना उसके प्रॉपर्टी पे क्या है, ओर है, बोले ठीक है। एडॉप्ट मीन टू कंसील, अच्छा ए को बोले ये चीज पता नहीं चलना चाहिए, आपने उसके लिए भी जुगाड़ किया। एंड डज कंसील द एग्जिस्टेंस ऑफ द ओर फ्रॉम ए, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी है आपने उसको पता ही नहीं चलने दिया कि उसकी प्रॉपर्टी पे क्या है, ओर है। Through A's ignorance, B is unable to buy the estate at an undervalue. Sir, ये भी आपका क्या रहेगा, void होगा भाई साहब। This is void ab initio. क्यों? क्योंकि एक fact जो है ना उसको छुपाया गया party से, कोई भी party लगा लो, चाहे buyer की बात को चाहे seller की बात करो, fact को छुपाया गया भाई साहब। दोनों parties को fact के बारे में पूरा पता नहीं था, और उसके बिना अगर ये एग्रीमेंट को किया गया होगा तो ये एग्रीमेंट आपका क्या बन जाएगा, वॉइड एब इनिशियो बन जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट, दैट्स इट। तो यहां पे भाई साहब ये आपका वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टॉपिक, नाम क्या था, नाम क्या था, फ्री कंसेंट, वो होता है कंप्लीट। मिलते हैं अगले वाले टॉपिक में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।